मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी आगे देखि जरत रिस भारी मनम रोशन कर वारी उभारी मूचित बुद्धि भार निठुराई धरी उबरी प्रिया वचन कस कह सिंह भांति वीर प्रतीति प्रीति करिहानि मोरे भरतु राम दुई आँखी सत्य कहौ करि संकर साखी अवसि दूत मैं पठाइब प्राता भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी राम सपथ सत कहम सुभावू राम मातु कछु कहिउ न काऊ मैं सब दीन्ह तोहि बिनु पूछे तेहि ते परे मनु अर्थात प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी यानी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धर कर तेज की हुई है।
राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे यानी कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया। इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अर्चन का मांगा। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब मुझे यह सुनकर संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सियाराम।